हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ एक डिफरेंट फ्लेवर में कस्टर्ड। इसके लिए आपको लेना है कुछ फ्रूट, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट हो वो ले लें। यहाँ पे मैं मैंगो ले रही हूँ, चीकू और अंगूर ले रही हूँ। तो इसके छिलके निकाल लें और छिलके निकाल करके इस तरह से सारे फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। और अब एक बोल में लेंगे 2 टेबल स्पून चिया सीड। चिया सीड इस तरह का होता है, और इसे आधे कप पानी में भिगो दें। जब भी इसे सर्व करें तो उसके आधे घंटे पहले भिगो करके रखें, जिससे ये अच्छे से फूल जाए। और मैंने इसे पहले भिगो करके रखा है, और भीगने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो जाती है। अब एक पतीले में 500 ml दूध लेंगे और इसे गर्म करेंगे, और जब तक दूध बॉईल हो रहा है इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर का लिया है, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं। साथ ही इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा पानी डाल करके इसकी एक स्लरी बना लें। चीनी के जगह पे आप चाहे तो जैगरी, शहद या फिर डेट्स भी यूज कर सकते हैं। डेट्स को पीस करके और फिर दूध में डाल दें। अब दूध में बॉईल आ गया है तो कस्टर्ड पाउडर को इनमें डाल देंगे। और इन्हें इस तरह से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक कुक करेंगे। जब इसमें बॉईल आने लगे तो फ्लेम को लो करके 5 मिनट और पकाएंगे, जिससे कस्टर्ड पाउडर अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की आ जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर ले और इसे पूरी तरह से ठंडा होने दे। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इस तरह से इसे मिक्स करते रहे, जिससे इसके ऊपर कोई मलाई ना जमे। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे कवर करके फ्रिज में रख दे, जिससे इसमें मलाई ना जमे। और फ्रिज में करीब आधे घंटे रखने के बाद ये ठंडा हो गया है, तो अब इसमें डालेंगे फ्रूट। और कवर करके रखने का फायदा हुआ कि इसके ऊपर देखिए बिल्कुल भी मलाई नहीं जमी। तो जब भी आप बनाएं, आप भी इसे कवर करके ही फ्रिज में रखें, और ये सारे फ्रूट को इसमें मिक्स कर देंगे। और अब इसे सर्व करते हैं। अब एक सर्विंग बोल लेंगे और उसमें डालेंगे ये भिगोए हुए चिया सीड। 2 टेबल स्पून डालना है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए रुहाबचा। 1.5 टेबल स्पून इसमें हमने रुहाबचा डालना है। अब इसके ऊपर डालेंगे ये कस्टर्ड। और इसे गार्निश करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट, या फिर आप फ्रेश फ्रूट भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे गार्निश कर रही हूँ कटे हुए पिस्ता से। और इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगी।